आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। बजा लेते बहुत सुंदर सा सॉन्ग, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बजा के दिखाया था, तुम तो ठहरे परदेसी दादरा का बहुत अच्छा सॉन्ग है। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर इसकी एडिटिंग बता दीजिए, तो आइए फटाफट से इसकी हैंड रनिंग के साथ साथ इसकी एडिटिंग शुरू करते हैं। और संडे लाइव के लिए आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, तो संडे नेक्स्ट संडे जो अब आने वाला है उसमें नेक्स्ट 6 बजे आप और हम लाइव में जुड़ते हैं। आपके क्वेश्चंस होंगे उसके मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। आइए फटाफट से बना लेते हैं उस पैच की एडिटिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से ये सॉन्ग हमारा बजा हुआ है। सिंपल है, मैंने बजा के दिखाया था, तुम तो ठहरे परदेसी रात क्या तरीके से इसका चलन रहता है। अगर आपने इसकी गाने के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देखिए, मैंने लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया है। तो आइए फटाफट से हम लोग उसकी एडिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो राइट हैंड है वो सिंपल, ये इसकी प्लेइंग रहती है, और लेफ्ट वाले की लेफ्ट वाला और जो हमारा राइट वाला रहता है वो, और जो मिलके हमारा बनता है वो हमारा बनता है तो इस तरीके से हमारा ये पैच बन के तैयार हो जाता है। तो आइए फटाफट से इसकी हम एडिटिंग देख लेते हैं। इस पैच के अंदर मैंने कहीं भी डिले का यूज नहीं किया हुआ है, डिले को हम कर देते हैं यहाँ से बंद, और हम फटाफट से अब इस पैच की एडिटिंग शुरू करते हैं। देखिए इस पैच के अंदर मैंने फर्स्ट कॉलम में हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ मैंने ए पार्ट में I20 लगाया है, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15, पिच रखी है मैंने 5, डीके रखा है 15, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम इस वाले पैच में। यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड में ए और बी पार्ट में दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। मैंने दोनों में ही ए और बी पार्ट में मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम पिच, सब चीज सेम रखी है, तो मैंने ए की बता दी, बी में आप अपने आप कीजिएगा। आइए सेकंड कॉलम की बात कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में मैंने ए पार्ट में लगाया हुआ है I20 और जिसका लेवल मैंने रखा है 13, पिच रखी है मैंने 7 और डिकी रखी है 5, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX 0 है। इसी तरीके से मैंने इसके बी पार्ट में भी सेटिंग की हुई है, बी पार्ट में भी आप सेम सेटिंग कर लीजिए। आइए फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 और 2, ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ जो है पैट मैंने खाली छोड़ा हुआ है, और इसलिए हम आइए सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम की, क्योंकि जब ये बजता है तो सिर्फ इन्हीं 1 2 3 4 5 6 यही बजता है। देखिए इस तरीके से बजता है, ये दोनों खाली रहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे फिफ्थ कॉलम की। फिफ्थ कॉलम में हमारा ए पार्ट में लगा हुआ है I21, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है यहाँ पे 12, पैनल हमारा है -3, डीके है हमारा 18 और सेंटर में इसका पैनल है, कर्व EP4 है और FX हमारा यहाँ पे 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम फटाफट से बी पैच की। बी पैड के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, बी पार्ट और हमारा फिफ्थ कॉलम देख लेते हैं। F20 मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जिसका लेवल मैंने रखा है 10, पिच है हमारी -3, डीके हमारा 18, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम सिक्स्थ कॉलम की। सिक्स्थ कॉलम के ए पार्ट में मैंने रखा हुआ है I08, जो है हमारी तबले की चाटी है, और जिसका लेवल मैंने 14 रखा है, पिच रखी है मैंने 1 और डीके हमारा 21 है, पैनल हमारा सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम फटाफट से सिक्स्थ पैड, और इंस्ट्रूमेंट मैंने रखा है बी पार्ट के अंदर I24,
जिसका लेवल मैंने रखा है 11, पीछे हमारा 6, देखिए है 24 पैनल सेंटर में, कर VP4 और FX जो है यहाँ पे हमारा 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम सेवेंथ कॉलम में। सेवेंथ कॉलम में मैंने ए पार्ट में रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट I08, जिसका लेवल मैंने रखा है 15, पीछे हमारी 3, डीके है 14, पैनल सेंटर में है, कर VP4 है और FX हमारा 0 है। आइए बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। बी पार्ट में L27, यहाँ पे सेवेंथ कॉलम बी पार्ट L27 मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है और यहाँ लेवल रखा है मैंने 7, पिच रखी है मैंने 3, डिके रखा हुआ है मैंने 20, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 0 है। आइए बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग लास्ट एट्थ कॉलम की। एट्थ कॉलम के अंदर मैंने ए पार्ट में रखा हुआ है F24, जिसका लेवल हमारा 15 है, पिच है 11 और डिके 16 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा यहाँ पे 0 है। आइए बात कर लेते हैं फटाफट से इसी के बी पार्ट में O01 मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है यहाँ पे एट कॉलम बी पार्ट, जिसका लेवल मैंने 13 रखा है, पिच रखी है मैंने 0, यहाँ पे डीके है 27, पैनल सेंटर में है, कर VP4 है और FX हमारा 0 है। आइए इसी के साथ हमारा ये पैच बनके तैयार हो जाता है। मैंने हैंड रनिंग आपको बता दी है, पूरी एडिटिंग बता दी है, कहीं भी डिले का कोई यूज मैंने इस पैच में नहीं किया है। थर्ड और फोर्थ कॉलम हमारे खाली है। तो आइए अगर आपको इस पैच में बनाने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, और जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया।